लगभग 2700 वर्कर हैं जिनमें डॉक्टर, एनएम और डॉट सेंटर से अन्य कर्मचारीगण हैं कि ये लगातार 24 दिन से यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और डिस्पेंसरियों का बुरा हाल है, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। आइए हम जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर भावना जी कि उनकी सतेंद्र जैन जी से क्या बात हुई जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैडम अभी आप लोग एक आपका प्रतिनिधि मंडल सतेंद्र जैन जी से मिलने गया था, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कि उन्होंने आश्वासन कुछ नहीं दिया है हमें, उन्होंने ये कहा है कि फाइल जो है वो सीधा सीएस के पास गई है। अगर फाइल मेरे पास आती, देखो फाइलें देखो आप, कि सीएस के पास जाती हैं कि मेरे पास आती हैं, उन्होंने तो एक तरीके से बताया है। उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि हम करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन फाइल जो है वो सीधी मार्क होनी चाहिए थी मेरे को, तो मैं देखता। लेकिन हमने उनको साफ साफ स्पष्ट स्ट्रक्चर में कह दिया कि हम एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में पिसने वाले नहीं हैं, हम आम जनता हैं, हम सिर्फ समान कार्य समान वेतन की डिमांड कर रहे हैं। हमारी डिमांड कोई ऐसी नहीं है कि जो नहीं पूरी हो सकती है, उसको सरकार चाहे तो पूरी कर सकती है, जितनी जल्दी हो सके कर सकती है। और हमने यही बोला है कि अगर हमारी दिवाली सड़क पर मनी तो उसके बाद हम उग्र रूप धारण कर लेंगे और फिर जो भी करेंगे उसके लिए मंत्री और अधिकारीगण जिम्मेदार होंगे। इस तरीके का ये रूल रवैया अपना रहे हैं कि फाइल को सीएस के पास भेज दी और पहले वो एलजी के पास भेज दी, ये फाइल का आवागमन के अंदर ये राजनीति नहीं है कोई मसला? हाँ सर, ये है बिल्कुल राजनीति में, लेकिन हम स्पष्ट करके आए हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी इस राजनीति से बहुत दूर हैं और हम किसी को नहीं जानते हैं। हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे, इनको जब तक देना है ये हमें कभी भी दें, लेकिन हम इस बार बिल्कुल भी नहीं होते। डॉक्टर भावना जी एक तरफ कहते हैं कि 2025 के अंदर हम यहाँ से टीवी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, टाइफाइड को ख़त्म कर देंगे, जब आप लोग, आप जैसे लोग डॉक्टर लोग डॉट में काम करने वाले लोग जब सड़कों पर रहेंगे तो टीवी को ख़त्म करेंगे या जो पेशेंट को ख़त्म करेंगे? नहीं, इससे तो देखिए अभी जो डॉट सेंटर्स में जो लोग दवाई दे रहे हैं दे आर नॉट एजुकेटेड, वो उसी तरीके से पूरे स्किल नहीं है, और ये सब आप भी जाकर वहाँ पर पता लगा सकते हैं। डिस्पेंसरीज बंद हैं, सरकार दिखाना नहीं चाहती है वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम काम पूरी तरीके से ठप है। इनका मिशन इंद्रधनुष बिल्कुल नहीं चल रहा है, बच्चों को टीकाकरण पूरे तरीके से नहीं हो रहा, यहाँ तक हर चीज़ बंद है। लेकिन अगर आँख बंद कर कर आँख मूंद कर सरकार आँख बंद करके रहना चाहती है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें समान कार्य समान वेतन नहीं मिले। तो आगे की जो आपकी रणनीति है, योजना है, वो क्या है? आगे हम अपनी हड़ताल को जो है दिन रात में परिवर्तन करके भूख हड़ताल पर जाएंगे।